नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024 की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आप छोटी छोटी अमाउंट लगा के एक बड़ी अमाउंट पा सकते हो। जनरली पैसा वगैरह लोग FD में रखते हैं, लेकिन FD से कहीं ज़्यादा और अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और SBI बैंक तो आपको पता ही है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रस्टेबल बैंक है। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों, और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो SBI की ये स्कीम है धमाकेदार 2024 की सबसे बढ़िया। इसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड है। पहले तो सवाल आता है म्यूचुअल फंड मतलब क्या। म्यूचुअल फंड मतलब आप जो पैसा डालते हो वो पैसा जाता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में तो रिस्क होता है दोस्तों, रिस्क है तो रिस्क है। आप जितनी इनकम है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। अगर आप 10-20 हज़ार कमाते हो तो 500 हज़ार महीने में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत डालिए। आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, रिस्क की है। अभी आगे बात करते हैं, ये फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, इसने रिटर्न कितना दिया है। FD वगैरह में 7-8% रिटर्न मिलता है, लेकिन इसने एक साल में रिटर्न निकाल के दिया है 35.37, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी बात करें आगे बढ़े तो 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 3 साल का इसका रिटर्न है 25.94, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है 3 साल का। अभी 5 साल की बात करें तो इसका 5 साल का रिटर्न है 27.56। FD से ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना रिटर्न आप यहां पे निकल पा रहे हो। अभी बात करें ऑल टाइम, ऑल टाइम मतलब ये फंड आया तब से ये फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है 26.6, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है ये फंड के अंदर। आप देख सकते हो ये फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP करना पड़ेगा। SIP मतलब क्या, हर महीने आपको पैसा डालना है 500-500, 1000-1000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पैसा डाल सकते हो इसके अंदर। और लमसम यानी एक साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लमसम भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आगे बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो, मतलब ये जो फंड मैनेज करता है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68, यानी कि काफ़ी अच्छा है। 60 पैसा लेता है फंड मैनेज करने के लिए। और एग्जिट लोड है 1%, यानी कि आपको बीच में से निकल जाना है, भाई मुझे बंद करो ये सब नहीं करना है, मुझे पैसा वापस दो, तो 1% काटा जाएगा, वो भी 12 महीने के अंदर, 12 महीने बाद कुछ नहीं। अभी बात करते हैं फंड साइज, इसकी फंड साइज है 24,800 करोड़, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया हुआ है स्कीम के अंदर। अच्छी होगी तो ही लगाएगा ना इतना, 24,000 करोड़ रुपया। अभी आगे हम बात करते हैं, इसने आपके पास तो पैसा ले लिया, लेकिन पैसा डालता कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए आप, इसने पैसा डाला है चैले टोटल। सबसे पहले ब्लू स्टार लिमिटेड में इसने डाला है 4.5%, फिर चैले टोटल पर 3% है, फिर फिनोलेक्स इंडस्ट्री में है 2.5%, फिर कल्पतरु प्रोजेक्ट में है 2.5%, लेमन ट्री होटल में है 2.5%, SBFC फाइनेंस में 2.5% डाला है, सिटी यूनियन बैंक में डाला है 2.5%, फिर इसने इक्विपमेंट लिमिटेड में 2.5% डाला है, CMS इन्फो सिस्टम में डाला है 2.25%, CNT&D इंडिया लिमिटेड में डाला है 2.5%। यानी कि छोटी छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ग्रो करने वाली कंपनी, इसमें पैसा डाला है। अभी मुद्दे की बात आते हैं, कितना पैसा लगाओगे तो कितना पैसा मिलेगा। मैं यहाँ पे खाली 500 रुपये का उदाहरण देता हूँ, अगर आप 500 रुपये लगाओगे तो कितना मिलेगा। 500 रुपये आप 10 साल तक लगाओगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000 रुपया, और उसके सामने मिलेगा आपको 2,85,000 रुपया। अबे 10 साल बाद 2,85,000 के क्या आएगा भाई, रुक शांति रख आगे बढ़। अभी बात करते 15 साल तक आप 500-500 इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 90 लाख रुपया, और 15 साल बाद आपको मिलेगा 10,94,000 रुपया, यानी कि 11 लाख रुपया। अभी आगे बढ़ते, अगर आप 20 साल 500-500 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000, उसके सामने मिलेगा 40,17,000। आया ना मजा, 40 लाख रुपया मिलेगा 20 साल बाद। खाली 500-500 भी इन्वेस्टमेंट करना है, अभी यही रिटर्न बरकरार रहा तो 40 लाख रुपया मिलेगा। अभी आगे बात करते हैं, अगर आप 25 साल तक चलाओगे 500-500 रुपया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,50,000 रुपया, और उसके सामने मिला 1,40,00,000 रुपया। काफ़ी अच्छी रिटर्न है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। SBI में जाके आप स्कीम के बारे में डिटेल में जान सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड है, जानिए समझिए, आपको अच्छा लगे तो पैसा डालिए। जय हिंद जय भारत।